जी सर। ऑल जे एंड के स्पोर्ट्स एंड कल्चरल वेलफेयर एसोसिएशन जे एंड के स्टेट यूटी की तरफ से पिछले कुछ दिनों पहले एक क्रिश्चियन गोल्ड कप जो क्रिकेट के अंदर शुरू किया गया था स्टेडियम के अंदर, तो उसके साथ साथ पिछले कई वर्षों से जो हमारा क्रिसमस गोल्ड कप है ये पिछले कई सालों से हम लोग करवा रहे हैं, जिसके अंदर बढ़ चढ़ कर जम्मू कश्मीर के लोग भाग लेते हैं और इसका इंतज़ार रहता है खिलाड़ियों को भी। और इस बार 15th क्रिसमस गोल्ड कप हम लोग 4 तारीख को इसका उद्घाटन 3 बजे साइंस कॉलेज की ग्राउंड में करने जा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को निवेदन करता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। इसमें 18 टीम्स हमारी जो जम्मू से, कठुआ से, सांबा से और कश्मीर से भाग लेंगी। आप देखेंगे कि सचमुच में जिस प्रकार से हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी आयु का हो, चाहे वो युवा है, चाहे वो वयस्क है, चाहे वो स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है, हर व्यक्ति को दिनचर्या में कोई ना कोई गेम चाहिए होती है। और फुटबॉल का मैच जो हमारे सारे इस जेएनके स्पोर्ट्स एंड कल्चर वेलफेयर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, जिसमें श्री एसएमसी गिल हैं, श्री अलिन मासूम जी हैं, डॉक्टर अतुल हंस जी हैं, श्री डेविड मसीह जी हैं, श्री यूसुफ डॉन जी हैं, विजय निकल जी हैं और मेरे और मिस्टर सेबेस्टियन जी हैं, और साथ में इनके साथ साथ हमारे जो सीनियर यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं और जम्मू कश्मीर स्टेट से जो फुटबॉल के प्लेयर हमारे सब साथी साथ बैठे हैं, और मंच के ऊपर ये जो टीम हमारी कमेटी बैठी है, हम सब जम्मू कश्मीर के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जब आप आएंगे आप देखेंगे सचमुच में जो कड़ा मुकाबला होगा और जिसका जो आखिरी जो मैच है वो 17 तारीख को होगा, जिसके अंदर हमारे जम्मू कश्मीर से जो कोई ना कोई ऐसी हस्ती आएगी उस दिन हम लोग आखिरी दिन ये जो मैच है फाइनल मैच वहाँ पे करेंगे। और ये जो ट्रॉफी है, ये जो पिछली बार जो टीम जीती थी वो ट्रॉफी आगे जो इस बार टीम जीतेगी उसको हम ट्रॉफी देंगे। और इसका ये जो लाइव जो फाइनल मैच होगा इसका लाइव दूरदर्शन से पूरे देश भर के अंदर और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्रसारण किया जाएगा। मैं फिर एक बार अपने इस ऑल जेएनके स्पोर्ट्स एंड कल्चर वेलफेयर एसोसिएशन को अपनी तरफ से और अपनी सारी कमेटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बढ़ चढ़ कर ये कोई ना कोई इवेंट करते हैं। और 3 तारीख को भी जो पीछे क्रिकेट मैच का जो उद्घाटन किया गया था उस सीरीज का भी 3 तारीख को 1 बजे स्टेडियम के अंदर उसका फाइनल मैच होगा। और मैं फिर एक बार मीडिया के माध्यम से अपने सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप आएं और अपने जो हमारे प्लेयर्स हैं यहां के जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर खेले हैं ऑलरेडी इसमें भाग लेंगे, आकर उनका जो साइंस कॉलेज है ग्राउंड उसके अंदर उनकी हौसला अफजाई करें। धन्यवाद जी।